हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम और एसटीएफ। इसमें हम एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं और आज होगा हमारा भाग सेकंड। देखते हैं भाग सेकंड में और जो हमारा भाग फर्स्ट है, तो जो हमारा भाग फर्स्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, उसमें हम एसटीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन को हमने बहुत ही बारीकी समझाया है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर पार्ट नंबर टू पर। और जो पार्ट नंबर टू होगा उसमें केवल क्वेश्चन ही बताए जाएंगे और इसमें कोई डेफिनेशन ना कोई ट्रिक बताई जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से कराया जाएगा। और आप इसका बेसिक या कॉन्सेप्ट या ट्रिक जानना चाहते हो तो आप इसकी पहली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको बहुत कम समझ में आएंगे, तो आपको इसलिए आप इसकी पहली वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक क्या हुआ। केवल क्वेश्चनों को हम समझेंगे और कम से कम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक हम कंसेप्ट और ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8 शेष रहते हैं, तो वह संख्या आपको बतानी है। छोटी छोटी बोला है तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि जब छोटी छोटी बोले तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, अर्थात लघुत्तम समवर्ती निकालना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहले 16, 18, 21। अगर शेषफल ना दे रखा होता तो डायरेक्ट हम इसका क्या निकाल लेते, अगर ये शेषफल ना दे रखा तो डायरेक्ट हम क्या निकालते इसका, एलसीएम निकाल लेते। अब पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये शेषफल दे रखा है, शेषफल क्या करेंगे आप घटा लेंगे, पहले 3, 5 और 8 घटा लीजिए, कितना बचा, 16 में से 3 गया 13 बचा, 18 में से 5 गया 13 बचा और 21 में से 8 गया 13 बचा। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि समान शेष बच रहा है। जब समान शेष करने की बात करें, अगर समान शेष मिलता तो ट्रिक हमारी कुछ अलग होती, पर थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, सेम मैटर है इसका। अब यहाँ 13, यहाँ 13 बचा है, तो अब करना क्या है आपको, 16, 18, 21 इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, 16, 18, 21। अब 16, 18, 21 में क्या शामिल है, ये 13 भी शामिल है, इनका एलसीएम निकाल के और 13 घटा दो वो संख्या निकलेगी। दोस्तों, निकालिए इसका एलसीएम कितना होगा, कर दो डाट दो से कर देना, 8 और 9 और 21 यहाँ से काट दो, 4, 9, 21 2, 9 और 21। अब देख लेते हैं, पर 2 से कट जाएगा 2, 9 और 21 फिर यहाँ से काटेंगे, 2 से काट दो 2 एकम 2 कट गया 2। अब 3 से काट लें 3 3 9 3 7 21 अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब 3 से कटेगा 7 से कटेंगे रोक देंगे, ठीक है। देखो ऐसे भी कर लो दोस्तों, ऐसे करेंगे, बहुत लंबा होगा, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो एग्जाम में कैसे करेंगे, 16, 18, 21 अब हम एलसीएम बता लेंगे, ना कि हम विधि हमें सॉल्व नहीं करना है वहाँ पर, कोई 18 और 9 और कटेगा ना, तो 21 डाल लिए। अब दोस्तों, अब क्या आएगा हमारे, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, फिर हमारा दो आएगा, तो कहने का मतलब 4 2 जो क्या बार आएगा 3 बार आएगा, तो उसमें डाट से 8 से काट देते हैं, क्योंकि क्या हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, 8 और 9 और 21 काट दो। अब यहाँ से इसे 3 से काट दो, 3 3 9 3 7 21 अब गुणा कर लो, 8 2 16 16 3 8 2 16 16 2 32 16 3 48 48 और 3 7 21 21 गुणा गुणा कर लो, 21 8 21 8 168 हासिल 8 हासिल के 16 और 21 चौक 4 21 84 84 और 16 कितने हो गए, 100, मतलब 1008। अब हमारा जो एलसीएम आया वो 1008 आया। अब इसमें दोस्तों क्या है, जो शेषफल 13 भी शामिल है, तो आपको करना क्या है, देखो 1008 इसमें है, टिक नहीं करना है हमें, अगर 1008 और ऐसे में करना कि 13 को बहुत सोचे क्या पता क्या करेंगे कि 13 को उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 21 11 और 21 और 0, 1021 भी ऑप्शन में, तो ये हमें नहीं करना। हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें जो 13 संख्या है वो क्या है, शामिल है, तो हमें घटाना है 13 को, ना कि जोड़ना है। अगर आपने जोड़ दिया तो वो भी आंसर होगा, अगर आपने नहीं जोड़ा वो भी आंसर इसमें शामिल होगा, और जो अगर जोड़ोगे तो वो भी दे घटा लो, 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 1 गया नहीं सॉरी 10 में से 1 गया 9 और यहाँ कितना गया 9 995, तो 995 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
दोस्तों इस सवाल को अक्सर लोग गलत कर देते हैं, कभी क्या करते हैं बच्चे जोड़ देते हैं इसमें, कभी सेम छोड़ देते हैं और कभी घटा देते हैं। जब हमारा शीर्ष बचे तो क्या करेंगे हम, हमेशा क्या करेंगे घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे। जोड़ने वाला होता है ठीक है, वो सवाल कुछ अलग होता है ठीक है, उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होता है हमारा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या है हमारा। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा 1, 3, 5, 7 रह है। यदि हम देखो चार तीन से बात विभाजित करें तो 1 रह है, 5 से काट रहे हैं तो 3 रह है और 7 से काट रहे हैं तो 5 रह है। तो ऐसी संख्या हमें फाइंड करनी है, देखते हैं वो संख्या कौन सी होगी। तो आइए, तो करना क्या है हमें, पहले हमें जो शेषफल है वो घटाना है, 3, 5, 7, 9 में से घटाइए ना, घटा लो कितने बचा, 2, 2, 2। अब समान दशा प्रत्येक दशा में 2 शेष बचा है, तो करना क्या है जो ऊपर वाली संख्या है इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। अब कर लेते हैं एलसीएम फाइंड, देख लेते हैं एलसीएम कितना, वो हटा देते सर, 2, 2 आया, 2 ही हमारा 2 शेष बच रहा है ठीक है। अब देख लेते हैं एलसीएम, 3, 5, 7, 9 काट लीजिएगा इसे, 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा और 7 नहीं कट, 3 3 9। अब कर लो गुणा, 3, 3 5 15 और 15 3 45, 45 7 कर लो 7 5 35, 45 7 7 315 होता है, 315 होते हैं, 315। अब 315 हमारा क्या है एलसीएम आया। अगर चार अंकों में बूझता वो अंकों की बात नहीं करता तो क्या करते, इस दो को इसमें से घटा देते, तो कितना 313 हमारा लास्ट वो संख्या होती, पर चार अंकों की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम, चार अंकों की बात कर रहा है तो इसे चलो यहाँ पर ऐसे ऐसे रहने दो, यहाँ देख लेते हैं 315 और यहाँ पर एक कोफिशिएंट वाले के मान लो के प्लस और के माइनस 2 बराबर संख्या कौन सी। अब देख लेते हैं कैसे ऐसे संख्या कौन सी से गुणा करें कि यहाँ हमारा इसके ऑप्शन नज़दीक पहुँच जाए। अब दोस्तों कैसे 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, 2, 3 तो चल जाता, अब भी यहाँ संख्या बड़ी रखनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन क्या करना है, अगर के बराबर देखो संख्या 2 अंकों की 3 अंकों की या फिर हमारा एलसीएम बड़ा आया था तो क्या करते, 2 से 3 से 4 रखने से काम चल जाता, पर यहाँ पर अब 2 या 3 काम नहीं चलेगा। अब हमें करना क्या है देखते हैं, ये इसलिए उठाया मैं सवाल, अगर छोटा होता तो छोटा तो हम 2 या 3 से दोना करके और 2 घटाते हमारा ऑप्शन आंसर मिल जाता, पर क्या है यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर संख्या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है क्योंकि 3 से अगर 10 गुणा कर रहे हैं तो तब भी हमारा इसे कम आ रहा है। तो देख लेते क्या होगा हमारा, 315 और 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है हमारी, 4 अंकों की होती है हमारी 9999 भाग कर लो उसे, क्या बचेगा, 3 बजे चलेगा, 15 3 45 हासिल किया, 3 5 15 हासिल किया, 1 3 3 3 3 4 और 3 9 945 कितना बचा है, 4 और 3 और 9 अके बार जाएगा, एक बार जाएगा 315 छोड़ दो। जब अब देखो घटाने के बाद इससे कम बचेगा, अगर इससे ज़्यादा बचता तो एक और लेते, अब हमें गुणा के मिलेगा के कमा कितना 31। अब 315 गुणा 31 माइनस 2, अब कर लो 315 की गुणा कर लो, 315 गुणा 31 5 और 1 3 दोहरी गुणा कर लो, 3 5 15 हाँ सर 1 और 4 3 3 9 घटा लो, 5 6 7 9765 कितना आएगा, 9765 9765 और ये 2 भी तो है, 2 को और कर दो माइनस, कितना आएगा 9763। दोस्तों 9763 देंगे ऑप्शन में कहीं है, ए इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए से 15, 20, 37 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। दोस्तों संख्या कौन सी है 15, 20, 36, लघुत्तम मतलब छोटी बोल रहा है, छोटी छोटी बोले तो लासा, बड़ी से बड़ी बोले तो मासा, तो लघुत्तम बोला लघुत्तम मतलब छोटी, तो क्या निकालना मैं मासा निकाल के, और हर बार 3 शेष रह जाता है, सवाल हमारा अलग है, अब यहाँ घटाना नहीं है आपको, हर बार 3 शेष रहता है तो आपको यहाँ पर इसे जोड़ना है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, 15
15, 20 और 36। जब भी हमारी संख्या ऐसी हो, मतलब जो हम जैसे 15, 20, 24, 48, 50, क्या हमारी संख्या 15, 20, 36, 48। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बार हम 20 ही करें, इससे थोड़ा ट्रिक से देख लेते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। 15, 20, 36, 48, 15, 20, 36, 48 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 48। 48 उठा लो, अब देखिए यहाँ से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे इसका दोगुना कर देंगे, 48 दूनी 72। भाई तब भी नहीं कटा, और 48 96। हम 2, 3, 4, 5 तक चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम 10 या 12 गुना करेंगे, ठीक है। 10 या 12 गुना करने पर अधिकतम संख्या कटी जाती है, कितने हो गए हमारा 48 10 20। इसका 20 गुना कर लें, 48 गुना 20 से करते हैं, 48 दूनी कितने होंगे हमारे 700, 48 दूनी 72 और 0, 720 देख कट जाएगी 15 से, हाँ भाई 15 से कट जाएगी, हाँ 15 से कट जाएगी, 20 से कट जाएगी, 36 से कट जाएगी और 48 कट जाएगी, तो कितना हमारा 720। अब 720 हमारा क्या है, इसका लास्ट आ गया। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकलेगा आपको, और इस बार विदेश निकलेगा, ठीक है। इसकी कुछ शर्तें याद इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो देखनी पड़ती हैं। अगर आप इसकी कंडीशन जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, जो एलसीएम और एलसीएफ है, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताया गया है। तो आइए चलते हैं अब 720, क्या 720 ऑप्शन में नहीं, अभी रुक जाओ। हर बार 3 से बचता है, अब क्या करेंगे यहाँ घटाएंगे नहीं, हर बार 3 से बचता है तो 3 को जोड़ेंगे। अब हम 720 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 723। क्या ऑप्शन 723 है, हाँ भाई ऑप्शन 723 है, कितना ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आई चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य हो। देखते हैं ऑप्शन देख के हमारे 4, और ऑप्शन देख के टिक करेंगे, और इसका बिना ऑप्शन के बिना ही बताएंगे हम। पहले देखते हैं 36 और 102 ले लेंगे, 9 चौक 36 तोड़ दो, और 17 सिक्का 102। अब आपको ऑप्शन में ऐसी संख्या चेक करनी है जो 9 से 4 और 6 17, चारों इन चारों संख्या इनके गुणों से कटे, 9 से कटे 4 से कटे 17 से 6 से कटे। देख लो ऑप्शन बी और सी चेक कर लो, बी सी देख लेते हैं, 17 से 17 से कट रही है, पर ये 9 से कट दो 8 और 3 11 11 4 नहीं 9 से कट रही है हमारी। अब यहाँ देख लेते हैं हम, 17 से कटेगी हमारी, और 6 से भी कट रही है, लास्ट के 36 और 36 18 सही है, और 4 से कट रही है, और 9 से काट दो 9 और 9 18। हाँ भाई दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखते हैं ये तो हमारा ऑप्शन था, अब वैसे कैसे देखेंगे इसे, वैसे भी देख लेते हैं 36 और 102 का हम क्या कर देंगे एलसीएम फाइंड कर लेंगे। कर लो एलसीएम फाइंड, 200 काट लो, 18 और ये 5 और 1 51, फिर 200 काट लो, 9 और 51 नहीं कटेगा। अब यहाँ अब 3 से काट 3 थिया 9 51 नहीं कटेगा, फिर 3 से काट दो 3 1 3 और 70 51 कट गया। कल उड़ा इनकी 3 3 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 36 17 6 7 72 102 का 2 हासिल गया 10, 17 3 51 51 10 को कितने हो गए हमारे 61, 612। अब 612 हमारा क्या इनका बीच का नंबर है, पर क्या है 1500 और 2000 के बीच है, ये तो 612 है, तो क्या करेंगे हम 612 में एक क्या हम के वाले कोएफिशिएंट। अब के का मान क्या रखें कि हम किसी ऑप्शन नज़दीक पहुंच जाएं, 2 रखते हैं 1200 नहीं भाई 1200 तो समझ छोटा है, 3 रख लेते हैं हम के का मान, अगर हम 3 रख लें के का मान है 3 रख लें, के बराबर 3 रख लें तो क्या होगा। अब यहाँ तो समझाएंगे के माना, जब आप करोगे तो डाट विदाउट के आप लगा दोगे वहाँ पर, तो 3 6 और 3 1 3 3 6 18 18 36 ऑप्शन है दोस्तों, 18 36 है, तो इसका कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। अब संख्याओं को जोड़ देखना हमें, पहले तो हम संख्या देखेंगे, संख्या हमारी एक्स और वाई मान लेते हैं। अब हमारा एचसीएफ को कोएफिशिएंट लेंगे 33x और योग बोला है तो प्लस
और 33 अगर गुणा बोलता तो यहाँ पर गुणा होता है, गुणा बोलता तो गुणा होता है, योग बोला से योग हो रहा हमारा 33 बाई बराबर कितना 528। यहाँ से आप 33 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप 33 को कॉमन ले लेंगे, 33 एक्स प्लस बाई बराबर 528 काट लो, 33 से कम 33 कितना यहाँ बचा हमारा 7 और 12 19, 33 छक्का 198, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हमारा 16। अब दोस्तों 16 के ऐसे अभाज्य गुण करने कि इनका योग हमारा कितना है 16 है, तो एक तो हमारे कितने हो गए एक और एक 15 होगा हमारा स्टार्टिंग वाला, और कौन सा एक 3 और एक 13 हो जाएगा, और एक 7 और एक 9 हो जाएगा, और कुछ 11 नहीं कौन सा होगा हमारा, और 5 और 7 12 नहीं 5 और 9 5 और 8 13 नहीं 5 10 5 और 11 5 5 और 11 कितना 16। अब देखो अब कोई बन सकता है, अब नहीं बनेगा, अब इसके क्या बनेंगे तो और भी 8 8 बन सकता है, पर क्या अभाज्य हमारे हमने क्या करना है, हमें अभाज्य वो लेने हैं, अभाज्य फैक्टर लेने हैं, 1 5 अब ये अभाज्य हैं सभी, क्या हमारी अभाज्य हैं, तो देख लेंगे अब 1 2 3 4 चार जोड़ बने, क्या ऑप्शन में 4 है कहीं, हाँ भी है ऑप्शन, इसका डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका मासा 4 है, उनका लासा क्या हुआ। तो दोस्तों इसको ट्रिक से करेंगे, बेसिक से बिल्कुल नहीं करेंगे, देखते हैं जब भी क्वेश्चन ऐसा लासा है सवाल में लासा मास दे रखा हो, लासा पूछे तो करना क्या है आपको, उनको गुणा करना है 3:4 लिखेंगे यहाँ, तो लिखना हो ठीक है, जब आप करोगे तो आप लिखोगे नहीं, 3 चौक 12। अब जो 12 आया अनुपात गुणनफल, अनुपात के गुणनफल से मास आप गुणा कर दोगे, 12 चौक कितना 48, इसका राइट आंसर कितना होगा 48, कहीं ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर कितना होगा हमारा 48, तो इसका राइट आंसर कितना होगा हमारा 48। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो यहाँ पर आप कॉफिशेंट नहीं मानोगे, अगर आप कॉफिशेंट मान रहे हो तब भी आंसर इतना ही आएगा, और इसको आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में कर दोगे, 3 चौक 12 4 चौक 48 राइट आंसर मान दो ठीक है 48, जब हमारा मासा देखे और लासा बूझे तब, ठीक है। अब एक सवाल और देते हैं, यहाँ लासा दे देगा और मासा बूझेगा तब कैसे करेंगे, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, दो संख्याएँ 3:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 75 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। अभी हमने एलसीएम निकाला था, अब यहाँ निकालना है एचसीएफ, तो ट्रिक सेम होगी हमारी, करना क्या होगा, वहाँ आप गुणा कर रहे थे, यहाँ आप क्या करोगे भाग, जब एलसीएम निकलवाए एचसीएफ देखे और अनुपात दे रखा हो तब आपको इनका गुणा करना है, और इन दोनों गुणा करके आपको उसमें गुणा कर देना है एलसीएम एचसीएफ में, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा जो हमने अभी फिलहाल किया था। अभी देखेंगे अब इसमें एलसीएम देखे वो एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, इन दोनों को गुणा करेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा आएगी जो हमारा एलसीएम देखा उसमें कर देंगे भाग, और हमारा एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं 3 5 15 डाइड करेंगे, अब 15 आया, अब हमारा एलसीएम देखा 75, 15 भागो 15 5 75 5 कहीं ऑप्शन में है तो 5 जिसका एचसीएफ होगा, कॉफिशिएंट करो बेसिस करो तो कम से कम 1 40 सेकंड लग जाएगा, इसमें आप 2 या 3 सेकंड में इसे देखते ही बीट कर दोगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम एक क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा तो आप उसे आसानी से बीट कर सकते हैं, हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या होगा, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल हमें लासा और मासा का अनुपात चेक करना है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है अगर लासा बोला तो पहले लासा और मासा बोला तो पहले मासा, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम चेक करेंगे 28 और 42, अब इसका निकालना है लासा, तो 28 को हम उठा लो, बड़ी संख्या कौन सी 42 है, 42 को आप उठा लीजिए,
कि 42 28 कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 42 को दोना कर लेंगे, कितना हो गया 84, और 84 से 28 थी 84, भाई ये 84 कटेगा और 42 से भी कटेगा, तो ला सकते हो गया हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा हो गया कितना 84। अब इसका मासा देख लेते हैं, मासा कौन सी संख्या हो गई 28 और 42। अब मासा हम क्या करते हैं, छोटे नंबर देखते हैं कौन सा 28। अब 28 उठा लो कि 28 से कट रही है, 28 से कट रही, नहीं कट रही, तो अब यहाँ बड़ा करते हैं, यहाँ कटाएंगे कौन, क्या लेंगे हम 28 का आधा कर लो 14। अब देखो 14 से कट रहा है और 42 से कट रहा है, तो कितना आ गया 14। पहले हमारा क्या लासा, उसके बाद मासा, काट दो 14 कम 14 और 14 6 84, 6:1, 6:1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।